हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे वेजिटेबल तहरी या वेजिटेबल पुलाव राइस भी कह लें आप इसको। आसान है बनाना बहुत इसको। मेन ये बात यह है कि आपको मेरी रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। उसके भी कई तरीके हैं, या तो ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करने के लिए आप टेलीफोन या डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो फिर आप चले मेरे साथ किचन में, हम शुरू करते हैं वेजिटेबल पुलाव राइस या फिर कह लें आप उसको तहरी। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अब हम किचन में आ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेजिटेबल तहरी। बहुत आसान है, आप इस वीडियो को गौर से देखते रहें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा और बीच में मैं बोलता भी रहूंगा कि मैं क्या डाल रहा हूं। तो आप देखें, सुने, समझें और फिर इसको बनाएं। तहरी शुरू करने से पहले आप सारी वेजिटेबल्स को फ्राइड कर लें, लाइक गाजर, बीन्स, पोटैटो, पनीर, कॉलीफ्लावर। और भी कोई वेजिटेबल आप चाहें तो वो ले सकते हैं। फिर कुकिंग पॉट लें, उसके अंदर तेल डालें, तेल को गर्म करें, उसके अंदर साबुत लाल मिर्च, बे लीफ, सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालें। फिर उसके अंदर जीरा डालें, बारीक कटा हुआ लहसुन डालें, थोड़ा पकाएं, लहसुन को गोल्डन ब्राउन कलर तक करें। फिर उसके अंदर प्याज डालें, फिर पकाएं, ध्यान रखें कि प्याज जले नहीं। फिर उसके अंदर अदरक का पेस्ट डालें, हरी मिर्चों का अचार डालें, पुदीने की चटनी डालें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इसके अंदर धनिया पाउडर डालें, हल्दी पाउडर डालें, अंदाजे से डालें, जितना भी आप चावल ले रहे हैं उसका अंदाजा। हरी मिर्च डालें, थोड़ा सा पानी डालें और मसालों को अच्छी तरह से भून लें। गैस थोड़ी हल्की रखें।
अब इसके अंदर वेजिटेबल्स डालें जो आपने फ्राइड करी हैं, और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला ले। थोड़ा अदरक डालें, धनिया पत्ती डालें, और मिला लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालें, अब आप बासमती चावल लें, उसे कम से कम आधे घंटे पानी में भिगो कर रखें, और फिर सब्जी के साथ मिला लें। थोड़ा नमक डालें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डालें, पानी इतना डालें जैसे कि आपने 1 कप चावल लिया है तो समझ लें 2 कप आप इसमें पानी डालें। और अब इसको तेज आंच पर पकाएं, कम से कम 7 से 8 मिनट। उसके बाद आप इसको ढककर 2 से 3 मिनट और पकाएं हल्की आंच पर, और आपके चावल गर्मा गर्म बनकर तैयार। इसके ऊपर आप फ्राइड अनियन डालें और देसी घी डालें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब आप इसको प्लेट पर सजाएं और इसका मजा लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। वेट वेट, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। कोई बात हो तो मुझे कमेंट करें, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक आप लोग मज़ा करें।